जी खानी है दीव को मेरी, और खानी है। और अगर मैंने चिज्जी नहीं दिलाई तो दीव गुस्सा कैसे होएगी? कैसे गुस्सा होएगी? मेरा बच्चा नहीं नहीं हरकत करता है। नहीं मम्मी को प्यार कैसे करता है बच्चा? ऐसे नहीं पान। करिए क्या? आइस आइस। नहीं मैं अभी गुस्सा हो गई। दीव दीव कैसे गुस्सा होती है? मम्मी का बेटा कौन है? मम्मी का बेटा गुच्छा हो गया। मम्मी मेरी मम्मी भी है। रोलू मुझे नोच के कह रही रोलू। सो गाइस अब है टाइम रात का, रात का डिनर हो रहा है मेरा। और मैं जब भी खाना खाने बैठती हूँ मैं दीव को साथ में लेकर बैठती हूँ, क्योंकि तो इसको भी खिला देती हूँ और खुद भी खा लेती हूँ। तो सुबह से मैंने कुछ व्लॉगिंग नहीं करी, क्योंकि जो मेरा व्लॉग है और नेटवर्क है वो बिल्कुल भी मेरा साथ नहीं दे रहा था। मैंने 12 बजे अपलोडिंग पे लगाया था अपना व्लॉग और वो शाम को 6 बजे कहीं जाकर अपलोड हुआ था, और नेटवर्क तो ज़ीरो थे, ज़ीरो ना कॉलिंग ना कुछ भी नहीं हो रहा था। तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी आज, तो मैं पूरा दिन कुछ नहीं करा। और कल नींद बहुत आ रही थी तो बस दिया और मैं सो गए थे, और सोने के बाद रूटीन ख़राब हो ही जाता है। तो मैंने उठ के बस तो बच्चों को ट्यूशन पढ़ाया, व्लॉग जो है साथ ही साथ अपलोड करा, और फिर उसके बाद किचन में छोटे मोटे काम तो होते ही हैं साथ में, खाना वाना बना के। अब मैं 8:15 बज रहे हैं इस टाइम, मैं दीयू को खाना खिला रही हूँ। और दीयू बहुत नाटक करती है खाना खाने में, तो इसको बहला फुसला के खाना खिलाना पड़ता है। मैं सिंपल दाल चावल बनाए हैं, अरहर की दाल और चावल। तो देखिए दीयू की मस्ती 9 बजे के टाइम की, 9 पता नहीं 9:15 के बीच के टाइम हो रहा है, तो आप इसकी मस्ती देख लीजिए। बहुत शैतानी करती है, बहुत ही ज़्यादा शैतानी करती है। इतना फैला देती है पूरा रात को, पूरा समेट के सो, भी फैला फिर सुबह उठ के फिर फैला जाता है। चलिए आप लोग इसकी मस्ती इंजॉय कीजिए, मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। खाना बन के आ रहा है, खाना बन के आ रहा है पीपी लगा के। मम्मी पीपी लगा के कौन काम करता है? कशिश खाना खा लो, तुम्हारे लिए खाना आया है। वो आए डोनट्स, पेट भर गया। हाँ पेट भर गया, डोनट्स आए, डोनट्स पेट भर गया। खाना गिर गया। ये देखो 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 खिलौने दीयू के, ये पूरे में फैले पड़े हैं। ये देखो तकिया, ये खिलौने यहाँ तक, ये कुशन, और क्या करती है दीयू? टाइम पता है क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 9:45 बज रहे हैं। घर कितना सुंदर हो रहा है, ऊपर वो देखो कुशन कहाँ पड़ा हुआ है, एक कुशन कहाँ पड़ा हुआ है। दीयू कैसा लग रहा है घर, कैसा लग रहा है? जल्दी बटोर लो इससे पहले कि दीयू फिर से कुछ करे। इसने पलंग के नीचे तक डाले हुए हैं। चाची देखो इसने सोफे के नीचे भी डाल रखे हैं। ओ ब्रश ये धो के रखना है, गंदा हो गया। नो इसको धोना है अभी, इसको धो के लेगा।
होगी। खिलौने पीछे छुपा रखे उसने थोड़े से। आऊं अभी निकालूं, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पीछे कुछ खिलौने हैं, देखो ये, देखो देखो ये छुपा रखे हैं। क्या है इसके अंदर? उसको कह रही जा। चंदा है तू मेरा, सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। जीती हूँ मैं बस तुझे देख कर, इस टूटे दिल का सहारा है तू। मेरी हैप्पीनेस, मेरी खुशियाँ तुझसे ही है। फिर से सुनाओ, फिर से सुनाओ। कौन सा गाना सुनाओ बताओ? चंदा है तू, बोलो। नहीं, मेरा सूरज है तू, ओ मेरी आंखों का तारा है तू। जीती मेरा बच्चा कशिश, इतना पाला पाला सा, इतना सुंदर सुंदर, काश आ गया तू, काश आया तू, नानू के घर से आया है, काश आया तू। अच्छा एक प्यार कर दे मम्मा को प्लीज। ओए होए, डांटू? नहीं, लेट जाऊं? नीनी कर रही है। अच्छा दियो नीनी कर लो। दियो नीनी कैसे करती है? नहीं, हाँ खिलौना बिल्कुल नहीं लूंगी। निन्नी कैसे करती है? दियो ये देखो, दियो सो रही है, देखो 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 देखो। नाटक। हेलो, सो रात के बज रहे हैं 10, और 10 बजे हम बैठे हैं बाहर। मन कर रहा था बड़ा, और मौसम सही है 2-3 दिन से, आप लोगों को पता ही है, बारिश बारिश बारिश। और चांद बहुत अच्छा निकला हुआ है आज, बहुत अच्छा चांद निकला हुआ है। तारे नहीं है क्योंकि बादल भी बहुत हैं, और हो सकता है रात को बारिश आए, कल रात को भी आई थी बट हमको पता नहीं चला। बहुत गहरी नींद में सो जाते हैं हम, दिन में नहीं सोते ना, इसलिए रात को बेहोश होके सोते हैं। और ये देखो दीवू यहाँ पे भी चैन से नहीं बैठ सकती। बहुत दिन बाद हम किस तरीके से रात के टाइम बैठे हैं, वैसे तो हम बैठते ही बैठते हैं। और राखी अभी नहीं आई है, राखी थोड़ा लेट आती है, बिजी रहती है बहुत ज़्यादा। ये मेरा चंदा मामा है ना, पीपी हटा दिया कर, बहुत सुंदर लगता है वरना तो। हाँ लव यू बाबू। सो जाने वाले हम अंदर, अंदर चल के करते हैं बात, आगे की बात है, अंदर जाके करते हैं। ये देखो देखो देखो, इसकी स्टार्ट हो जाती है शैतानियाँ, है ना। चलते हैं अंदर, और काफ़ी रोशनी है स्ट्रीट लाइट की, अच्छे से शूट हो रहा है, वरना तो अंधेरा अंधेरा अंधेरा। मैंने बाहर वाला बल्ब जो है यहाँ से हटा दिया है क्योंकि ख़राब हो जाता है बारिश में, CFL मेरी नई ख़राब हो गई। हेलो, तो अंदर आ गई हूँ मैं, 10:30 बज रहे हैं इस टाइम, और सोने से पहले एक काम याद आ गया मेरे को, और एक काम कशिश के लिए भी याद आ गया, एक काम मुझे अपने लिए भी याद आ गया। मैं किचन में ताला लगा चुकी हूँ, तो कशिश बोतल निकाल के देगी पानी की। मैं निकल जाती हूँ सर्विस विंडो में से, बट मन नहीं कर रहा, तो ये जाएगी खिड़की में से निकल के पानी की बोतल लेकर आएगी। और चूहे बहुत हो रहे हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था, और काफ़ी बड़ा सा चूहा था मैंने देखा, और मुझे बड़ा डर लग रहा है उस चूहे से। और चूहे ना तो चूहेदानी में आते हैं, ना ही दवाइयों का उस पर कोई असर हो रहा है,
और सभी लोग बोलेंगे कि चूहों को ऐसे दवाइयाँ नहीं देनी चाहिए या कुछ नहीं करना चाहिए, बट नुकसान बहुत हो रहा है और छोटा बच्चा घर में है, हर चीज़ झूठी करना ये पॉसिबल नहीं है यार, हर चीज़ में कितनी चीज़ों से। अब ये पलंग है, यहाँ पे सोते हैं, रात को पलंग पे भी आ जाता है, तो पलंग पे नहीं सोता, मैं चारपाई बिछा के सो रही हूँ। तो मैं एक लास्ट कर रही हूँ, एक चीज़ और करके देख रही हूँ, मैं ये लेकर आई हूँ, क्या ये ट्रबल गम, ट्रबल गम द बेटर ट्रैप, द बेटर रेड ट्रैप, वो ये चूहा पकड़ने के लिए है, ये किताब है किताब, और इस किताब को मैं खोलूंगी ना तो उसके बाद मैं इसको खोलूंगी, इसको हाथ नहीं लगा सकती क्योंकि बहुत स्टिकी है, चूहा इस पर चढ़ेगा तो इसी पर चिपका रह जाएगा, इसी पर चिपका रह जाएगा चूहा जो है। तो ये मैंने ये किताब मंगाई है और इसको मैं लगाऊंगी, जहाँ से वो आता जाता है ना चूहा, बाबू तुम नहीं, दवाई चूहे की, तो चूहा जहाँ से आता जाता वो मैं वहाँ पे रखने वाली हूँ, और मुझे आता जाता दिखता है चूहे की, इतनी हिम्मत बढ़ गई है चूहे की, मेरे सामने ही आना जाना शुरू कर दिया उसने, तो चलिए पहले इसको लगा लेती हूँ वरना दीऊ मेरा जीना मुश्किल कर देगी। तो इसको लगाते हैं, ठीक है, तो चूहा जो है यहाँ से आता जाता है, इस किताब को मैं यहाँ लगा दूंगी, यहाँ पे एक मिनट, इसको मैं यहाँ लगा दूंगी इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा स्टिकी है, इसको छूना नहीं है, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं छूना, बहुत स्टिकी है ये, जब तक बंद है बंद है, उस खुलने के बाद इस पर चूहा अगर आता है ठीक है, वरना इसको छेड़ना नहीं है। तो चलिए देखते हैं चूहा आता है या नहीं आता है, आएगा तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो हेलो गाइस, सुबह हो गई है और सुबह होने के बाद मैंने सारा काम निपटाया है और जस्ट अभी फ्री होके बैठी हूँ, नहा ही नहीं हूँ मैं अभी, क्योंकि काम निपटाते निपटाते पानी चला गया था, ठंडा सुबह तो बहुत ठंडा लगता है क्योंकि दो तीन दिन से मौसम बहुत ऑसम वाला हो रहा है, कूलर की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो पानी भी बहुत चिल्ड सा लग रहा है, तो मैंने कहा थोड़ी देर में रहूँगी, तो बस अभी मैं फ्री होके बैठी हूँ, नाश्ता वास्ता सब कुछ हो चुका है मेरा, और आज मैं आज क्या कल मैंने वो चूहे वाला वो लगाया था ना गम, तो रात के एक पता नहीं 1:15 बजे उस पर चूहा आ गया था, छूने की कोशिश करी वो नहीं छूटा, बट मेरा ध्यान ना बार बार उसकी तरफ जा रहा था, तो हमने रात को उसको पॉलीथीन में करा और बाहर डस्टबिन में डाल के आ गए हम उसको, और बाहर भी रखा था थोड़ी देर, मैंने कहा बिल्ली ले जाएगी चूहे को, बट नहीं, फिर मैंने डस्टबिन में डाल दिया, और अभी सवेरे कूड़े वाला आया तो मैंने कूड़ेदान में डाल दिया, तो एक जो चूहा बहुत आतंक मचाता था, कम से कम इतना बड़ा चूहा होगा, वो चला गया फाइनली हमारे घर से, बाय हो गया बाय, और थोड़ी सी टेंशन फ्री हो गई, और ये देखो दीऊ स्टिल अपने काम पे लगी हुई है, सॉरी टू दैट, दीऊ अपने काम पे लगी हुई है, इसको लगता है मम्मी व्लॉगिंग क्यों कर रही है, मम्मी काम करना चाहिए मम्मी को, तो बस दीऊ लगी पड़ी अपने काम धंधे पर, फैलावा मचाएगी, फिर मैं उसको समेटूंगी, तो फिर फैलाएगी, मैं फिर उसको समेटूंगी, हरा बाबू है ना, बाबू बाबू है ना, तो बहुत दिन हो गए मैंने आप लोगों से बातें नहीं करी, तो मैंने कहा चलो बातें करूंगी, और फिर से कुछ लोगों के कमेंट्स ऐसे आने लगे हैं ना, तो डीमोटिवेट करते हैं वो लोग, तो बस दिमाग रात के टाइम ही ऐसा होता है, रात के टाइम में कुछ ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं तो बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है, तो बस सो तो जाती हूँ बट फिर सुबह उठ के भी याद रहते हैं इस तरीके की चीज़ें। और हाँ, इंडियन ब्लॉगर मनीषा के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते होंगे, इंडियन ब्लॉगर मनीषा, अगर आप नहीं जानते तो मैं यहाँ पे एक पिक्चर शो कर दूँगी साइड में, तो आप लोगों को याद आ जाएगा, बहुत अच्छी यूट्यूबर हैं, और उनके दो चैनल थे, यूट्यूबर परी और इंडियन ब्लॉगर मनीषा करके, तो बहुत दिन से जैसे लाइफ ऑफ प्रीति गायब हो गई थी बीच में, तो वैसे ही वो भी गायब हो गई थी, बट लाइफ ऑफ प्रीति के भाई बहन दोनों, मतलब कि यूट्यूबर दीपक और इंडियन यूट्यूबर प्रियंका, तो दोनों से कोई ना कोई सवाल कर ही लेता था और कभी ना कभी तो जवाब मिलना ही था, बट अगेन वो वापस आ गई और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया,
बट इंडियन ब्लॉगर मनीषा को मैंने 2-3 बार सर्च किया, मतलब जब हम किसी को देखते हैं ना तो वो रोजाना उनकी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आ जाती है, सब कुछ होता है, बट उनका चैनल ही दिखाई नहीं दे रहा था, इंडियन ब्लॉगर मनीषा को मिल ही नहीं रहा था। और जो यूट्यूबर परी करके है वो तो उसमें कोई वीडियो नहीं थी, मैंने देखा था उसको। तो बीच में मैंने जब लाइफ ऑफ प्रीति के ऊपर वीडियो डाली तब मेरे को एक पीयू मेहरोत्रा करके मेरी एक सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझसे पूछा कि एक इंडियन ब्लॉगर मनीषा थी वो पता है कहाँ है, तो मुझे सडन याद आ रहे हाँ, क्योंकि उन्होंने मिड जून से उन्होंने अपने ब्लॉग डालने बंद कर दिए थे। तो चार पाँच दिन तक इंतज़ार होता है, फिर उसके बाद ना लोग भूलने लग जाते हैं। तो आप लोग कभी भी ऐसा मत करना, जितने भी न्यू यूट्यूबर हैं या फिर जो पुराने हैं, तो कभी भी गैप मत किया करो वीडियो का, वरना इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है लोगों का जो आपके संग वो बनाए रखते हैं। लोग आपकी डेली लाइफ देखते हैं तो उनके साथ अपनी डेली लाइफ शेयर कीजिए ताकि वो आपसे कनेक्ट रहें, आपसे जुड़े रहें। तो गैप मत कीजिए, एक दिन का भी मत करिए, कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम है तो गैप कीजिए, वरना कुछ ना कुछ तो डालते ही रहिए। तो उनका जो चैनल था वो मिल नहीं रहा था, तो फाइनली उन्होंने खुद एक वीडियो बनाई और उन्होंने बताया कि उनका जो चैनल था, जैसे कि बहुत सारे यूट्यूबर ने इस बारे में वीडियो बनाई है कि फेक ईमेल्स आ रही हैं, तो सेम उनके साथ भी हुआ था, उनको फेक ईमेल आई और उस ईमेल के चक्कर में उनका जो पासवर्ड है वो भी ले लिया गया और उनका चैनल फिर हैक कर लिया गया। जितनी भी चीज़ें थी उनके चैनल पर डिलीट कर दी गई, चैनल डिलीट कर दिया गया और जो उनकी बेटी का चैनल है वो भी डिलीट कर दिया गया। तो बहुत उनका लॉस हो गया और उनके जो थे 70K सब्सक्राइबर कुछ थे, बहुत अच्छी वीडियो डालती थी, बहुत अच्छा अर्न कर रही थी और बहुत हार्ड वर्किंग थी। तो स्टिल उन्होंने जो अपना चैनल है वो स्टार्ट कर दिया है दोबारा से ही, इंडियन ब्लॉगर मनीषा के नाम से ही है उनका चैनल, वही फ़ोटो है, वही लोगो है, सब कुछ है। तो आप लोग जो जो उनको ढूंढ रहे हैं तो प्लीज़ उनके चैनल पर विज़िट कर लो, उनका चैनल फिर से सब्सक्राइब कर लो और फिर से उनके अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपको देखने लगे। उनके जो ब्लॉग्स होते हैं ना वो बहुत अच्छे होते हैं और उनकी बेटी है बड़ी प्यारी सी परी, बेटा है नीरव और अच्छे होते हैं, कई सारी चीज़ें सीखने को मिलती है, ऑर्गेनाइजेशन को लेकर बहुत अच्छा सीखने को मिलता है उनसे। तो बस मैंने तो उनको ढूंढ लिया, मैं उनकी सब्सक्राइबर थी, तो जो जो ढूंढ रहा है तो प्लीज़ वो भी ढूंढ ले और मिल जाएंगी, अब तो इजीली मिल रही है, इंडियन ब्लॉगर मनीषा करके उनका चैनल है। तो बस इतना ही, और किसी के पास भी ऐसी फेक ईमेल्स आए तो प्लीज़ एक बार कॉन्टेक्ट करें यूट्यूब से, उन्होंने भी कॉन्टेक्ट किया था यूट्यूब से कि ऐसे ऐसे आपके पास तरफ से मेल्स आई है, बट उन्होंने क्या किया था उस मेल को जो उन्होंने यूट्यूब को किया था उसके मेल के जवाब का उन्होंने इंतज़ार नहीं किया और जो फर्स्ट मेल आई थी उनको फेक मेल उसका उन्होंने रिप्लाई कर दिया, यानी अपना पासवर्ड दे दिया, अपना URL नंबर दे दिया। तो इस तरीके की कोई भी चीज़ें आप यूट्यूब को मत दो, क्योंकि यूट्यूब के पास हमारी सभी चीज़ें होती है, पासवर्ड भी होता है, URL नंबर भी होता है और वो कभी भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं मांगता है यूट्यूब। तो बस इतना ध्यान रखिएगा जो न्यू क्रिएटर हैं, जो पुराने यूट्यूबर हैं वो भी। तो चलिए चलती हूँ, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ठीक है।